हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? तो फ्रेंड्स, हमारे घर में बहुत सारे बॉक्स पड़े हुए थे और ये ऐसे देखने में अच्छे नहीं लगते हैं, तो मैंने सोचा कुछ इनको डेकोरेट कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा रूम। थोड़ा अभी खाली खाली लग रहा है, तो चलो हम इसे अच्छे से सजा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अब सर्दियाँ तो हो गई है ख़त्म, तो मैंने इन बॉक्स में भर दिए बच्चों के और अपने सारे गर्म कपड़े। और ये थोड़े हैवी हो गए थे, तो हस्बैंड के साथ मैंने इनको पहले एल शेप में लगा दिया था जहाँ पर मुझे रखने थे। अब मैं इनके ऊपर बिछा रही हूँ कंबल, जो करेंगे गद्दी का काम, जो हमें बैठने में काफ़ी कंफर्टेबल होगा। और मैंने इसके ऊपर पूरे चार कंबल की लेयर बना के काफ़ी अच्छा मोटा गद्दी जैसे बना दिया था। और फ्रेंड्स, ये है सोफ़ा कवर जो मैंने मीशो से मंगाए हैं। ये मुझे पड़ा है 6 पीस, 2 लॉन्ग और 4 छोटे वाले, तो टोटल 6 पीस मिले मुझे 350 रुपीज़ में। ये भी काफ़ी अच्छा मिला मुझे। ये हो गया हमारा एक साइड का सोफ़ा तैयार। अब ये है दूसरा बॉक्स। इस पर भी मैंने कंबल को अच्छे से नाप लिया था, उसी की फिटिंग से मैंने उसको फोल्ड कर लिया था। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर जो भी नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और हाँ, बताएं आपको मेरी वीडियो कैसे लगते हैं। तो यहाँ पर हो चुके हमारे सारे बॉक्स कवर और देखने में ये अब कितने अच्छे लग रहे हैं। अब सामने पे हमारी टेबल खाली थी, तो इसमें मैंने थोड़े से फ्लावर रख दिए। ये सारे फ्लावर्स मैंने साटन के कपड़े से घर में ही बनाए हैं, रोज़ और छोटे वाले फ्लावर। अब साइड में मेरी ये 2 चेयर खाली लग रही थी, तो मैं इनके लिए छोटी वाली मैट ले आई थी, तो मैं इनको इस पे अच्छे से बिछा लेती हूँ ताकि इनका लुक भी अच्छा हो जाए। तो अब मैं कर लेती हूँ फटाफट से झाड़ू, और झाड़ू के बाद पोछा, फिर मैं यहाँ पर भी एक मैट बिछा दूँगी। अब हमारा पोछा सूख गया है, तो मैं यहाँ पे बिछा रही हूँ कारपेट। ये भी मैंने मीशो से मंगाई है 350 में, बहुत अच्छी है। तो ये है मेरे रूम का फाइनल लुक। और देखिए बॉक्स अभी कितने अच्छे लग रहे हैं, मतलब कोई बोल भी नहीं सकता है कि ये बॉक्स हैं। तो अभी तक ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।